वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सबसे पहले स्टेज पर बैठे सभी हजरात रहबर, यहाँ पर आए हाजिरीन पेरेंट्स और मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी का मैं इस्तकबाल करता हूँ। काफ़ी कुछ कहना है, बहुत लिमिटेड टाइम है, लेकिन वक्त के तकाजे में मैं अपनी बात रख सकूँ ऐसे मैं कोशिश करूँगा। एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। इस ज़माने में न फिरौन ने एक काम किया है, इस ज़माने में न फिरौन ने एक काम किया है, न शैतान ने हमें बहकाया है, कौम मुस्लिमीन ने खुद ही खुद को भटकाया है। जब मैं सोच रहा था तो ये शेर मेरे जहन में आया, तो आपके सामने मैंने बयान किया। खैर, लेकिन आप मुतमईन रहिए, क्योंकि ये शेर आपके लिए नहीं है। इस शेर में मैंने क्या कहा है कि कौम मुस्लिमीन ने खुद ही खुद को बहकाया, आपके लिए शेर बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर हाजिर, कुछ इल्म का फैज़ हासिल करने के लिए आप यहाँ पर हाजिर हो। तो सबसे पहले मैं आप लोग को भी कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूँ, क्योंकि आप लोग वक्त निकालकर यहाँ पर आए, एक बुलावे पर आप यहाँ पर आए। और जो लोग सीरियस नहीं है, शायद उन्होंने इस चीज़ को इतना गंभीर नहीं लिया जो कि लेना चाहिए। अब कौम आगे कैसे बढ़ेगी, जब इल्म हासिल करेगी तभी तो आगे बढ़ेगी। खैर, मुझे अपनी जो मेन बात कहनी है उससे पहले एक दो मिनट आपको कुछ आंकड़े आपके सामने में रखता हूँ, ताकि हमको पता चले कि मर्ज क्या है, मर्ज माने दर्द, तकलीफ क्या है। वो तकलीफ़ को समझ सके तभी तो फिर हम इलाज के बारे में कुछ सोच सकेंगे, है ना। बेसिकली मैं मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता हूँ, बायोलॉजिस्ट हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन अगर आपको दूँ तो अफजल रहमान एपी सर के नाम से मुझे लोग जानते हैं। आई एम अ फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ न्यूरॉन करियर इंस्टीट्यूट। और इस फॉर्म से मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा, अब तक हमने काफ़ी MBBS होम्योपैथी डॉक्टर, काफ़ी इंजीनियर्स दिए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस कॉम से हम MBBS निकालें, ऐसे मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। तो कुछ आंकड़े मैं अगर आपके सामने रजू करूँ, देखिए, सच्चर कमेटी 2006 में जो एक ऑर्गेनाइज की गई थी, जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी, जिसको सच्चर कमेटी कहा जाता है, 2006 में UPA गवर्नमेंट, तो उन्होंने सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन जो होती है उसके बेसिस पर उन्होंने रिसर्च जब किया तो आंकड़े उन्होंने कुछ दिए। देखो कि इंडिया के अंदर 61% समथिंग लिटरेसी रेट, उसमें भी मुस्लिम का अगर हम लिटरेसी रेट गिने तो वो 50 अराउंड है। तो ओवरऑल जो हमारा लिटरेसी रेट है वो भी कम है। अभी आपको मैं हायर एजुकेशन के बारे में अगर बताऊँ तो वो आंकड़े अगर आपके सामने रखूँगा तो आप चौंक जाएंगे कि हायर एजुकेशन के अंदर जो OBC, इसमें ये जो आंकड़े उसमें एक्सक्लूडेड है, हम मुस्लिम एक्सक्लूडेड है। OBC 35.8% है, SC 14% है, ST 5.8% है, और मुस्लिम जो है हमारे अंदर हायर एजुकेशन रेट ओनली 4.6% है। तो 10th के बाद बच्चे जाते कहाँ पर हैं? आप सोच रहे होंगे कि सर हमारे मोहल्ले में तो सब लोग पढ़ते हैं, 10th के बाद कोई काम नहीं करता, सब 11वीं 12वीं में जाते हैं। तो एक मोहल्ला पूरी बिरादरी को रिप्रेजेंट नहीं करता, अंदरूनी गांव है, शहर के काफ़ी ऐसे लोग हैं जो 10वीं के बाद ड्रॉप आउट रेशियो भी बहुत बड़ा है हमारा। तो ये सारे जो आंकड़े मैंने आपके सामने रखे, अच्छा प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो 62% प्राइमरी एजुकेशन अदर कम्युनिटी में कंप्लीट करते हैं लोग, वाइल इन केस ऑफ मुस्लिम वी हैव ऑलमोस्ट 44%। जस्ट थिंक अबाउट इट, 44% ही हमारा प्राइमरी एजुकेशन हम लोग कंप्लीट करते हैं। सच्चर कमेटी के बाद एक जो फॉलो अप लेने के लिए पोस्ट सच्चर कमेटी रची गई, जिसमें 10 मेंबर्स थे, उसमें एक साहब थे कुंडू साहब। कुंडू साहब ने एक बहुत ही बड़ी बात बोली, उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम के अंदर एक पॉपुलर नैरेटिव है। अच्छा, ये नैरेटिव क्या है? उन्होंने जो वर्ड कहे वही वर्ड आपको मैं कहता हूँ कि मुस्लिम्स आर फिट फॉर लोअर पेइंग जॉब्स। हम मुस्लिम के अंदर एक नैरेटिव है कि हमें कौन नौकरी देगा, हम क्यों पढ़े, हमें कौन कलेक्टर बना दे, हमें कौन डॉक्टर इंजीनियर बना दे। तो ये जो नैरेटिव है ना, इसको हमें निकालना है।
कौन कहता है कि भाई नौकरी के लिए पढ़ो, ऐसा ज़रूरी थोड़ा है कि पढ़ लिख के नौकरी कर ली। अपना खुद का अगर बिजनेस होगा, इंसान अगर एजुकेटेड होगा तो अपने बिजनेस को बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। आज हमारे अंदर जो कमी है, मैंने आपको कहा ना कि पहले हम तकलीफ को तो जाने, तो ये मर्ज है, ये दर्द है, इसको आप समझो कि हमारे अंदर अभी भी कितना एजुकेशन कम है। मैं वाकई में तारीफ करता हूँ सारे ऑर्गेनाइजर की कि ये जो मर्ज है ना भाई, इनको इन ऑर्गेनाइजर ने समझा है। आपको लगेगा सर दर्द की बात तो आपने कह दी, अब इसका इलाज क्या है, तो ये प्रोग्राम जो है ना इसी का इलाज का एक हिस्सा है। यूँ समझिए कि इलाज शुरू कर दिया है कम्युनिटी ने काफ़ी सालों से कि नहीं, हम धीरे धीरे इसे प्रोग्राम करके बच्चों तक पहुँचे, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएं। अभी मैं अपनी मेन बात पर आऊँ, एक छोटी सी बात आपको कह देता हूँ कि एक 11वीं साइंस का बच्चा मुझे ऐसा पूछ रहा था कि सर क्या MBBS BDS के बाद हमने करना रहता है। जस्ट थिंक अबाउट इट कि हम डेंटिस्ट्री कंप्लीट करें उसके बाद MBBS होता है, एक कितना सिली सा क्वेश्चन है, एकदम पागल इंसान पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन। हालांकि वो बच्चा ऑलरेडी 11वीं साइंस में था, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो अभी ऐसी हालत है कि बच्चा साइंस में आने के बाद भी उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती कि आगे कौन कौन से फील्ड है। तो अभी मैं अपनी मेन बात आपको कहता हूँ, देखिए आपको पता ही होगा कि जैसे अगर आप लोग ने साइंस सेलेक्ट किया 10th के बाद 11th 12th साइंस, और अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो या आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो दो एग्ज़ाम हैं, एक है नीट और एक है JEE। इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हम टेबल पर आपको देंगे, लेकिन थोड़ा सुपरफिशियल मैं आपको बात यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो नीट एग्जामिनेशन जो है ना भाई, उसमें 11th और 12th दोनों का सिलेबस आता है, उसकी प्रिपरेशन आपको पहले ही दिन से करनी है नीट की या JEE की। अब नीट एग्जामिनेशन के आधार पर MBBS है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, यूनानी मेडिसिन है, ये सारे मेडिकल कोर्सेज नीट के एग्ज़ाम के आधार पर होते हैं, और बाकी सारे पैरामेडिकल कोर्सेज गुजकेट और बोर्ड के आधार पर होते हैं। और रही बात इंजीनियरिंग की, तो अगर आप चाहते हो कि हमें IIT में जाना है, हमें NIT में जाना है, तब आपको JEE देनी पड़ेगी। उसमें भी JEE मेंस जो NIT के लिए काफ़ी है, बाकी आपको एडवांस देनी पड़ेगी अगर आप चाह रहे हो कि हमें IIT में, जो बड़े बड़े पैकेजेस आप आसमानी पैकेजेस सुनते हो ना कि 10 करोड़ 50 करोड़ सैलरी पैकेज, तो ये अच्छी अच्छी IIT में से जो पास करते हैं बच्चे उनके पैकेजेस होते हैं, तो आप भी कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आप अगर आपको नॉलेज हो तो कोई एक इंसान मुझे यहाँ पर बताएं कि आपने 11th 12th साइंस रखा और आप चाहते हो कि सर हमें नीट देनी है, हमने JEE देनी है, चलो तो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होंगे उसकी फीस क्या होगी, डू एनीबडी हैव आइडिया अबाउट दिस, फीस क्या होगी, कुछ भी आंकड़ा अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो 1.5 लाख पर ईयर और 2 साल का पर ईयर, ओके, एनीबडी एल्स, सही फरमाया उन्होंने, 1 से 1.5 लाख रुपया 1 साल की फी रहती। अब आप कहोगे कि सर क्या बात कर रहे हो, अभी 1.5 लाख खर्चा करने का, JEE नीट देने की पास होगा नहीं होगा हमारा बच्चा, हमें कैसे पता चले, और ये रिस्क हम क्यों लें। लेकिन आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, 3-3 इदारे आपके दरवाजे पर खड़े, 3-3 इदारे जो भरूच में चलता है, गिफ्टेड 30 का कॉन्सेप्ट पेमेंट के अंतर्गत, और वहीं कोचिंग JEE नीट का यतीम खाने में भी चलता है, और माशाल्लाह ये साल से भी एंग्लो में भी आ गया, वहीं कोचिंग। यू वॉन्ट बिलीव, हम जो सर्विसेज देते हैं तीनों इदारे, वो अगर सर्विसेज की आप बात करें तो अगर आप मार्केट में वो पढ़ाई अगर लेने जाओगे तो आपको 3-3 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा, बावजूद उसके रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं। और हम तो यहाँ पर एक एक बच्चे को पर्सनल काउंसलिंग कर करके उसको ये समझाते हैं कि आपके लिए ये 2 साल कितना मैटर करते हैं, तो हर एक बच्चे के पीछे इतना हम फोकस करते हैं। और मैं वाकई में थैंकफुल हूँ मोहम्मद सर का, इन्होंने एंग्लो के अंदर इनिशिएटिव लिया, और एक सूरत की कौम नहीं लेकिन पूरे गुजरात के या पूरे भारत के मुस्लिम के अंदर एक अल्लाह ने फारूक साहब जैसे एक शख्स से हमें नवाजा है,
और अल्लाह उनको और आगे तरक्की दे, ऐसे मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ ताकि कौम की रहबरी की जो फिक्र उनके जहन में है। हम जब पहली बार मिले थे तब शायद साहब ने वक्त तो कम दिया था, लेकिन फिर हमारी मुलाकात थोड़ी लंबी चली, तो वो एक 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 बात पे वो दिख जाता है कि दर्द है इनके सीने में, वो दर्द है। इतनी मशरूफियत होने के बावजूद भी वो आज हमारे बीच शामिल है, तो एक हमारे लिए बड़ी बात है। लेकिन मैं लास्ट में बस इतना कहना चाहूँगा कि इतने बड़े बड़े जब हम प्रोग्राम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचने के लिए, तो आप जो यहाँ पर हाजिर हैं ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आगे अगर ऐसे कोई प्रोग्राम होते हैं तो हम उसमें शामिल रहें। देखिए हुजूर ने क्या कहा कि इल्म हासिल करने के लिए अगर हमको चाइना जाना पड़े तो चाइना जाओ, चाइना नहीं जाना हमें, हमें यहाँ पटनी हॉल में ही आना था, है ना, जो कि हमारे घर के बिल्कुल करीब है। तो आइंदा ऐसे कोई प्रोग्राम हो तो आप तो हाजिर रहिए, और अपने जो सराउंडिंग रहते हैं उनको भी कहिए कि कुछ दो बातें नए जानने को मिलेगी। और मुझे यहाँ पर पटनी हॉल में जो कार्यक्रम हो रहा है उसका एक बेस्ट थिंग ये लगा कि कार्यक्रम के बाद हमें टेबल दिए जाएंगे कि जहाँ पर हम एक एक बच्चों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते। ये शायद मैंने आज तक नहीं देखा किधर भी कि एक एक बच्चों को ऐसा आप पर्सनली काउंसलिंग लास्ट में करोगे। बाकी तो क्या होता है कि स्टेज पर कार्यक्रम होते आते बोलते सुनते जाते ऐसा ही चल, लेकिन इसके बाद भी आपके पास वक्त है कि आप हमें एक एक को रूबरू मिलकर पूछ सकते हो कि सर अभी हमने क्या करना है। हम आपको हर एक बच्चे को 5-5, 10-10 मिनट इंशाल्लाह गाइडेंस देंगे। तो आखिर में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस काबिल समझा कि इस प्रोग्राम के अंदर आकर के अपने अंदर जो कुछ भी हो तो बातें आपको मैं कह सकूँ, और इस पटनी जमात का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इनसे आगे और काम लेते रहें। जज़ाकअल्लाह।